हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमएलडीएफ एडुकेशन। मैं हूँ जेरुल खान, सीईओ एंड एडमिशन कंसल्टेंट एमएलडीएफ एडुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अगले वीडियो की तरह बांग्लादेश का एक मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो आइए बात करते हैं बांग्लादेश के किशोरगंज में अवस्थित प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद मेडिकल कॉलेज के बारे में सारे डिटेल्स मिलेगा। तो आप लोग ये वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ खास करके जो स्टूडेंट बांग्लादेश में यानी अब्रॉड में MBBS पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं बांग्लादेश का प्रेजेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद है, उन्हीं का नाम पर इस मेडिकल कॉलेज का नाम प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद मेडिकल कॉलेज नाम रखा गया है। इस कॉलेज को राष्ट्रपति मेडिकल कॉलेज भी कहते हैं। प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का जो जर्नी है वो 2014 से शुरू हुआ था एंड 2017 से इस कॉलेज फुल फ्लेज से मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये कॉलेज अभी 700 बेडेड हॉस्पिटल के साथ एक अल्ट्रा मॉडर्न मेडिकल कॉलेज है। आइए हम बात करते हैं पॉइंट वाइज इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसीड्योर, सारे डिटेल्स में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस कॉलेज के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एफिलिएशन के बारे में बात करना है। सो प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद मेडिकल कॉलेज के एफिलिएशन के बारे में बात करें तो ये कॉलेज ढाका यूनिवर्सिटी के अंडर एफिलिएटेड है एंड दिस कॉलेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, ऑल्सो अप्रूव बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट कैन चूज टू स्टडी MBBS टू दिस कॉलेज। सो ये जो कॉलेज है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, ग्रीनी इन्वायरमेंट है। तो इसका अगर कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, इस कॉलेज का पहुंचने का जो कम्युनिकेशन है बहुत ही आसान है। आप इस कॉलेज में बाई एयर या बाई रूट भी जा सकते हैं। ये कॉलेज ढाका शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ओनली 100 किलोमीटर डिस्टेंस है एंड ये जो आगरतला का एयरपोर्ट के पास जो अखौरा इमिग्रेशन ऑफ बॉर्डर है उस बॉर्डर से भी इस कॉलेज का डिस्टेंस अप्रोक्स 100 किलोमीटर है। सो आप इस कॉलेज में बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय बस किसी भी हालत में बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए MBBS के लिए इस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर क्या रखा है। हमने जो फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये फी स्ट्रक्चर 2020-21 का है। तो ये 21 के बाद अगले साल ये फी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चांसेस हो सकता है। तो इसका टोटल फी स्ट्रक्चर है $35,000, यानी इंडियन रुपी से अप्रोक्स 25 लाख होता है। इसका फर्स्ट ईयर का फीस रखा है $30,000, जो इंडियन रुपी से अप्रोक्स 9 लाख होता है। यह $1 इक्वल टू 72 रुपीज़ हिसाब किया गया है। आप लोगों को और एक बात बताना हो, ये फीस स्ट्रक्चर में हॉस्टल भी इंक्लूडेड है। सिर्फ आप लोगों को फूडिंग के लिए एक्स्ट्रा 2,000 या 3,000 पे करना पड़ता है। यह हॉस्टल में फॉरेन स्टूडेंट के लिए बहुत सारे इंडियन डिशेस अवेलेबल होता है। हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में बात करें तो इस कॉलेज का जो हॉस्टल फैसिलिटी है बहुत ही अच्छा है। टू शेयरिंग बेडरूम होता है, अटैच वॉशरूम होता है और हॉस्टल भी बहुत काफ़ी अच्छा रहता है। इन कैंपस हॉस्टल होता है फॉरेन स्टूडेंट के लिए, बहुत सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल है। इस हॉस्टल में वाईफाई अवेलेबल है। तो आइए हम बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट कैसे इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन्स लेने के लिए बांग्लादेश गवर्नमेंट में जो सर्कुलर निकलते हैं वही टाइम पे हम स्टूडेंट को अप्लाई करना पड़ता है। इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करना है, फॉलो करना है। जैसे कैंडिडेट शुड हैव 3.5 GPA इन क्लास 10 एंड 12, कैंडिडेट मस्ट हैव नीट क्वालिफाई, कैंडिडेट मस्ट हैव 60% मार्क्स इन बायोलॉजी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 12 पास करने के बाद 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे पेपर्स और होता है, बहुत सारे काम होता है, जैसे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन निकलना है, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स का अप्रूवल लेना है, वीज़ा निकलना है, जो इमिग्रेशन अटेस्टेशन करना है, ये सारे काम जो है MLDF एडुकेशन खुद कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग शायद प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिला है, तो इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप लोग का एक आप लोग इमेजिन करते हैं ये किस तरफ का कॉलेज, कैसा कॉलेज होगा, आप लोग का एडमिशन लेने के लिए आपका बजट के अंदर होगा कि नहीं, ये सारे कोर्स आप लोग का एक नॉलेज में आ गया।
तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप इस कॉलेज में MBBS पढ़ना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट MLDF एजुकेशन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। MLDF एजुकेशन इस कॉलेज के साथ पिछले 2-3 सालों से काम कर रहा है। MLDF एजुकेशन इस कॉलेज का ऑथराइज एजेंट है। आप MLDF एजुकेशन के ऑफिस में इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को लास्टली और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये कॉलेज आपका एक बजट के हिसाब से है, बहुत रीजनेबल फीस है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ हॉस्टल और जो सारे टीचिंग स्टाफ बहुत ही अच्छा है। सो ये आप एक अच्छा कॉलेज आप MBBS के लिए सोच सकते हैं। और आपको ये भी बात बताना चाहता हूँ कि इस कॉलेज में नॉर्थ ईस्ट या इंडिया के बहुत सारे स्टेट से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर फ्रेंड्स इस तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके हमारे साथ जुड़े रहे ताकि अगले वीडियो आपको इजीली मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।